नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। मध्य प्रदेश में बैतूल से लगे खंडारा में रेत भरवाई की मजदूरी को लेकर हुए विवाद में एक युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना पर गंज पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। मामला गंज थाना क्षेत्र अंतर्गत किला खंडारा गांव का है, जहां बीती रात रेत बेचने का काम करने वाले मोहन राजपूत के पास रेत भरने का काम करने वाले मजदूर अपनी मजदूरी लेने पहुंचे। मजदूर श्याम, शंभू और विष्णु को मोहन ने राजदा ढाबा पर रात को बुलाया था और उन्हें 1500 रुपए मजदूरी के दिए थे, लेकिन श्याम और 500 के रुपए की मांग को लेकर अड़ गया। फिर मोहन से तीनों युवकों का झगड़ा चालू हो गया। इन्हें लड़ता देख ढाबा संचालक ने इन्हें वहां से भगा दिया था और सोमवार की सुबह मोहन का शव एक खेत में पड़ा मिला। मृतक मोहन के साथी ने बताया कि रात को वो भी मोहन के साथ था। इनका विवाद होने लगा और तीनों युवकों ने मोहन को गन्ने से पीटना शुरू कर दिया था। उसके बाद वो घर चला गया था। जब मोहन रात भर घर नहीं लौटा तो उसे फोन लगाया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। सुबह जब मोहन को ढूंढते हुए ढाबे पर आए तो पास के खेत में काम कर रहे लोगों ने बताया कि खेत में एक युवक पड़ा हुआ है। जब उसे देखा तो उसके सिर को पत्थर से कुचला हुआ था और मोहन मर चुका था। जानकारी मिलते ही एसडीओपी नितेश पटेल और गंज थाना प्रभारी जयंत मर्सकोले मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके पर ढाबा संचालक से पूछताछ की, साथ ही खेत मालिक से और खेत में काम कर रहे लोगों से भी पूछताछ की। पुलिस अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई। क्या नाम है आपका? प्रमोद। प्रमोद, क्या घटना हुई, क्या पूरा मामला था? कुछ नहीं, वो तीन लोग आए, हम भी उधर गए ढाबे के सामने, वो तीन लोग आए लटवट लेके और हम गांव, मैंने गाड़ी खड़ी करी जब तक भैया को मारने लग गए। कौन कौन थे तुम लोग तीन? हम लोग मोहन भैया थे, मैं था, एक अवतार और वो जो सामने से और सामने वाले कौन थे? और सामने वाले वो तो श्याम, शंभू और नवीन। फिर क्या हुआ? ये हमने उनको बीच बचाव किया, हमने तो ढाबा वाला भी आया, उसने भी बचाया और फिर उसके बाद थोड़ा शांत हुए। फिर हम ढाबा वाले ने बोला गाड़ी खड़ी उधर करो, जब तक भाग गए। क्या तो, मामला क्या था? क्या पैसों का लेन देन था? हाँ, ऐसे ही कुछ था उनका। कितना क्या पैसे? पैसे ऐसे 300-400 रुपए। उसके बाद फिर कहाँ मिली आपको बाड़ी? बाड़ी ढाबे के उधर आगे में मिली। हम आ गए घर पर, हमने रात में राठीपुर में हमने इधर निकल गए होंगे करके, हम उधर ढूंढने चले गए। उधर से आए घर पर, फिर इनके घर पर भी गए हम आए के करके। 12 बजे रात को तो नहीं आए बोले, फिर सुबह उठाए तो मैं सुबह इनके घर पर भी गया तो पूछा, नहीं आए बोले। तो हम सुबह फिर हम 3-4 लोग निकले राठीपुर ढूंढते हुए, फिर उधर खंडारा में फिर वो लेबर वेबर चल रही थी खेत में, उन्होंने बताया कि इधर कोई सो रहा है बोले। तो फिर हम चारों लोग गए वहाँ पर, देखा तो वही निकले, और तीनों लोग उनके घर भी जाके देखा तो सुबह रात भर से घर ही नहीं गए, फरारी पर है। ये पुलिस को सुबह 9:30 बजे सूचना मिली कि किला खंडारा में रोड से सटा हुआ एक खेत छोड़ के दूसरा खेत है, जहाँ पर मृतक अवस्था में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। तो मौके पर पहुंचकर पुलिस ने देखा कि वहाँ पर एक व्यक्ति मरा पड़ा हुआ है, जिसके मुंह सर उसका किसी पत्थर से, जो कि उसके बगल में ही था, उससे कुचला हुआ है। तो उसके बाद से ही पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। हाँ, इसमें कुछ संदिग्धों के नाम आए हैं और उस पर पुलिस तलाश में भी है। और हम लेन देन का, इनका पैसे का लेन देन, क्योंकि रात में झगड़ा भी हुआ है नज़दीकी ढाबे पर, और सभी मुद्दों पर पुलिस जांच में है अभी। 400 रुपये का लेन देन था? हाँ, 400-500 हज़ार के आसपास का ही, ज़्यादा वैसे कुछ।